हमेशा बादलों के बीच घिरी रहने वाली एक जगह, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं रिकॉर्ड की गई है। और ये झरने जो किसी का भी मन मोह ले, हरियाली और बादलों का ऐसा संगम जो शायद बहुत कम ही देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद तरह तरह की चुनौतियों से घिरे रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के किसान। फिर भी इन्होंने हारना नहीं सीखा है। ये है चेरापूंजी। चेरापूंजी, इस नाम से ही जहन में कई चीजें एक साथ कौन जाती हैं। बादल, बारिश, हरियाली, और चारों तरफ कल कल करते ये झरने। चेरापूंजी पहुंचने के लिए पहले आना पड़ेगा मेघालय की राजधानी शिलांग। सुंदर पहाड़ी शहर है शिलांग। देश भर से पर्यटक यहां आते हैं। काफी चहल पहल वाली जगह भी है शिलांग, लेकिन हमारी मंजिल तो है चेरापूंजी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं चेरापूंजी, जो शिलांग से करीब 54 किलोमीटर दूर है। एक बात और, चेरापूंजी पहुंचने के बाद ही पता चलता है इसकी अनेक खूबियों का। कुछ साल पहले तक ही तो चेरापूंजी को अपनी एक खासियत के लिए जाना जाता था। वो ये कि यहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती थी। पानी अब भी यहां बहुत बरसता है। साल का शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब फुहारें चेरापूंजी को ना चूमें। जी हां, नायाब जगह है ये पूर्वोत्तर के मेघालय में। सैलानियों को भी अपनी तरफ बहुत खींचती है चेरापूंजी। लेकिन सैलानी तो आते हैं और चले जाते हैं, शहर में रह जाते हैं शहर के लोग। क्या खुश हैं चेरापूंजी के निवासी, क्या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इन्हें। सुनकर हैरानी होगी, इतना पानी होने के बावजूद यहां सबसे ज्यादा कमी पानी की ही है, पीने के पानी की। भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है चेरापूंजी को। हरी भरी पहाड़ियां, साफ सुथरी सड़कें और चारों तरफ दिलकश नजारे। लेकिन इतने बादल क्यों बनते हैं चेरापूंजी में? क्यों होती रहती है यहां साल भर ही बारिश? इन सवालों के जवाब मिलते हैं यहां।
कुट मदान नाम की इस जगह में। खासी भाषा का शब्द है कुट मदान। इसका मतलब है वो जगह जहां जमीन खत्म हो जाती है। इन हरी भरी पहाड़ियों से ये बादल यूं ही तकरीबन पूरे साल ही उठते रहते हैं, पर ये बन कहां रहे हैं? ये बन रहे हैं सामने ही बांग्लादेश के सपाट मैदानों में। जी हां, बांग्लादेश में उदय होता है इन बादलों का, जो चुंबक की तरह खींचे आते हैं चेरापूंजी की पहाड़ियों की तरफ और बना देते हैं चेरापूंजी को दुनिया की सबसे गीली जगहों में से एक। भारत बांग्लादेश सीमा की ये विशेष भौगोलिक परिस्थितियां ही जननी हैं चेरापूंजी की कभी ना खत्म होने वाली बारिश की। और जब इन पहाड़ियों पर इतना पानी बरसेगा तो जाहिर है यहां झरने भी होंगे। अगर चेरापूंजी को झरनों का प्रदेश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनमें से एक है ये सेवन सिस्टर्स फॉल। सात धाराएं मिलकर बनाती हैं इस झरने को। पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह है ये, लेकिन इसे देखना आसान नहीं है। दूसरे बड़े झरनों की तरह सेवन सिस्टर्स फॉल भी ज्यादा वक्त बादलों के घूंघट में बिताता है। कभी कभार ही ये पूरी तरह प्रकट होता है, पर फिर जल्दी ही छिप जाता है घने बादलों के पीछे। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन चारों तरफ इतना पानी होने के बावजूद पानी के ही अभाव में रहते हैं चेरापूंजी के लोग। इस बालक को ही देखिए, 300 मीटर दूर से लाया है ये पीने का पानी अपने घर के लिए। चेरापूंजी में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? बड़ी वजह एक ही है, वो है यहां किसी सुचारू जल संरक्षण का ना होना। ज्यादातर बारिश का पानी बह जाता है बांग्लादेश के मैदानों की तरफ। और चेरापूंजी के लोग रह जाते हैं खाली हाथ। इतने पानी के बावजूद इनके घरों में पर्याप्त पानी ना होना, अजीब लगती है ये बात, लेकिन है सच। चेरापूंजी आप मालूम ना, बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन सब पानी में जो आएगा सब पानी में बांग्लादेश में जाएगा। हाँ। तो जब वो जगह जो स्टॉक भी जो नेचर में स्टॉक करता भी बहुत डीप डीप में, बहुत दूर दूर में, ठंडा का टाइम में जब बारिश खत्म उस टाइम में पानी यहाँ बहुत दिक्कत में, कोई स्टॉक नहीं है। और अब इस समय भी मैंने देखा है कि लोग लेने जा रहे हैं। हाँ, इस समय भी, इसलिए ये पानी है ना। हाँ। इतना अच्छा नहीं पीने का नहीं है, इसलिए ये पानी में थोड़ा असर भी है, सॉइल का असर भी है और गंदा भी है ऐसा, इसलिए पीने का नहीं होगा। इनसे मिलिए, ये हैं आईजेड खोंजी।
पिछले 60 साल से चेरापूंजी के हर मौसम को देख चुके हैं खान जी। यहीं के एक स्कूल में शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं पर्यावरण और व्याकरण। और साथ ही ये चेरापूंजी के नामी तीरंदाज भी हैं। खान जी मानते हैं कि दूसरी और जगहों की तरह चेरापूंजी भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हुआ है, पर चीजों को देखने का नजरिया उनका कुछ अलग है। चेरापूंजी की विशेषता है इसकी बारिश, लेकिन अब बहुत बदलाव आ रहे हैं। पहले ज्यादा बारिश अप्रैल में होती थी, इस साल पहले शुरू हुई। पहले यहाँ मॉनसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता था, लेकिन अब ये चारों तरफ से आता है। इसमें दुख या सुख की कोई बात नहीं है, हमें प्रकृति के साथ ही चलना है। अब चेरापूंजी में बारिश के बादल हर दिशा से आते हैं। मुझे लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और चेरापूंजी में हम लोग इससे निश्चित ही प्रभावित हो रहे हैं। हमें अपने जल संसाधनों को बचाना होगा। हाल ही के वर्षों में यहाँ की मिट्टी को बचाने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये हमें अभी नहीं मालूम। जाते जाते इस शिक्षक ने हमें अपनी बेहतरीन तीरंदाजी का एक नमूना भी दिखाया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1-800-11-3060 और 1-800-11-3061। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवा पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल,
वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। चेरापूंजी की लगभग पूरे साल ही जारी रहने वाली बरसात, इसने यहां के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश ने सबसे पहला असर डाला यहां की उपजाऊ जमीन पर। इस झमाझम बरसात की वजह से ज्यादातर खेतों की ऊपरी सतह यानी टॉप सॉयल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में इस जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी जमीन के टुकड़े में खेती होती भी है तो वहां फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, ये तो प्रकृति की मार है, इसे झेलना ही पड़ेगा। पर आईजेड खान जी मानते हैं कि अगर यहां के लोग और जागरूक हो जाएं तो इस स्थिति से भी निपटा जा सकता है। अवेयरनेस ऑफ द पीपल आल्सो इज वेरी वेरी, लोगों की जागरूकता इन मामलों में बहुत ही कम है। उनको जल स्रोतों की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो नहीं समझते कि यहाँ पेड़ लगाना कितना जरूरी है। और चेरापूंजी का पानी, ये तो काफी प्रदूषित है, इसको बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता। किसानों को यहाँ काफी दिक्कतें आती हैं और बदलते मौसम का सीधा प्रभाव खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। पहले मेरे गांव में बहुत संतरे उगते थे, लेकिन अब चेरापूंजी में कोई किसान संतरे नहीं उगाता। सिर्फ एक गांव है माफू, जहां थोड़ी बहुत संतरों की खेती होती है। चेरापूंजी के नजारों को देखने आए सैलानी अक्सर नहीं समझ पाते यहाँ के लोगों की दिक्कतें, वो तो मानो बंद से जाते हैं यहाँ के दृश्यों से। अब इस नौकलिका एक झरने को ही दो, 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है नौकलिकाई का पानी। ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। पर बात फिर पानी की आ जाती है, चेरापूंजी के निवासियों को ना मिलने वाले पानी की। इतनी परेशानियां होते हुए भी परेशानियों से घबराते नहीं यहां के लोग, बल्कि सहजता से इन्हें स्वीकार करते हैं। यही रहने वाले बन मजाव बताते हैं। हम लोग इस जिंदगी के आदि हैं, बाहर से आने वालों को मुश्किलें होती हैं पर हमें नहीं। बारिश चाहे ज्यादा हो या कम, हमारी दैनिक गतिविधियां जारी रहती हैं। आप यहां इतनी बारिश देख सकते हैं, लेकिन अगर दो दिन पानी ना बरसे तो लगता है हफ्तों से सूखा पड़ा हुआ है। तो ये है चेरापूंजी के वो पहलू जो आसानी से नजर नहीं आते। आए भी तो कैसे, बाहर से आने वाले तो यहां के खूबसूरत नजारों में ही मुग्ध रहते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यहां रहने वालों को और इनके जज्बे को, शायद बादलों से भी इन्होंने सीख ली है।
जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं।